हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कितुल शाह एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का प्रॉब्लम नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम किए उससे ये एकदम डिफरेंट है। ओके, लास्ट जो 3 प्रॉब्लम हमने किए थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आज का प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, ओके, तो लाइन ए बी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वो बोल दिया है हमें। ओके, एंड ए इज 10 mm अबोव एचपी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ एचपी। मतलब कि एक लाइन ए बी है उसका जो एक पॉइंट ए है वो 10 mm अबोव एचपी है एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है। मतलब अबोव एचपी मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे। वाइल सेकेंड एंड बी इज 40 mm अबोव एचपी एंड 60 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम किए वो सारे प्रॉब्लम्स के अंदर हमें कोई भी एक ही पॉइंट का प्रोजेक्शन दिया था, उसके साथ फ्रंट व्यू या फिर ट्रू लेंथ या फिर टॉप व्यू, या तो फिर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के साथ एंगल या फिर टॉप व्यू एंड ट्रू लेंथ के साथ एंगल, ये सब कुछ दिया था। राइट, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम की जिसके अंदर दोनों पॉइंट के प्रोजेक्शन दे दिए है। फिर उसके बाद क्या दिया है देखो, एंड उसके बाद इसके अंदर एक चीज और दी है दैट डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स इज 50 mm। ओके, मतलब कि दोनों जो प्रोजेक्टर्स, मतलब कि लाइन के जो ए पॉइंट के प्रोजेक्शन है, बी पॉइंट के प्रोजेक्शन है, तो उन दोनों प्रोजेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर इज 50 mm। ओके, तो इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करें प्रॉब्लम ड्रॉ करना। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि अभी तक हमने सारे प्रॉब्लम किए, हमने क्या किया, सबसे पहले वी हैव टू जनरेट अवर एक्स वाई लाइन। तो ये एक्स वाई लाइन हम बना लेंगे। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट ए के प्रोजेक्शन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो एक रैंडम पॉइंट हम एक्स वाई लाइन पे ले लेंगे। पॉइंट ए के प्रोजेक्शन क्या है, 10 mm अबोव एचपी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। चलो, तो सबसे पहले अबोव एचपी मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर जाएगा एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे जाएगा। ओके, नोटेशन दे देते हैं साथ में, अबो एचपी के लिए नोटेशन डैश वाला, इन फ्रंट ऑफ वीपी के लिए नोटेशन विदाउट डैश वाला। ओके, चलिए फिर पॉइंट बी के प्रोजेक्शन दिए हैं 40 mm अबो एचपी एंड 60 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, और वो हमें ड्रॉ कहां पे करना है, तो उसके लिए लास्ट लाइन हमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स इज 50 mm। मतलब कि जो पॉइंट बी का है उसका प्रोजेक्शन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 mm। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन पे जहां से ए का प्रोजेक्शन हमने स्टार्ट किया था वहां से 50 mm मेजर कर लेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 mm दिया हुआ है। राइट, चलिए अभी यहां से हम पॉइंट बी के प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, तो बी के प्रोजेक्शन क्या है, 40 mm अबोव एचपी एंड 60 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। चलिए, 40 mm अबोव एचपी एंड 60 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब वो जाएगा एक्स वाई लाइन के नीचे। ओके, सो दिस इज योर पॉइंट बी डैश एंड दिस इज योर पॉइंट बी। जैसे कि मैंने बोला था, आपको जितने भी पॉइंट मिले सारे पॉइंट में से आपको क्या करना है, एक्स वाई लाइन को पैरेलल लाइन वो सारे पॉइंट में से ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो एक्स वाई लाइन पे हमारे रोलर स्केल रखेंगे, सबसे पहले ए डैश में से एक लाइन बना लेंगे, सारी लाइन आपको हो सके उतनी लाइट बनानी है। ओके, पॉइंट ए में से एक लाइन खींच लेंगे, सिमिलरली एक्स वाई में को पैरेलल लास्ट पॉइंट जो बी है उसमें से एक पैरेलल लाइन बना लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं पॉइंट ए डैश एंड बी डैश को ज्वाइन करूंगी तो वो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियस है वो ट्राइंगल, आपकी जो लाइन है उसका क्या बनेगा,
फ्रंट व्यू, राइट। ऑब्वियसली दोनों पॉइंट के प्रोजेक्शन दिए है, राइट। प्रोजेक्शन मतलब क्या बोलेगा, आप फ्रंट व्यू से जब देख रहे हैं तब उसको वो आपको क्या दिख रहा है, वो मिला है ऊपर एक्स वाई लाइन के ऊपर। सिमिलरली नीचे अगर आप ए बी को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टॉप व्यू मिलेगा। ओके चलो फ्रेंड्स, अगर आपको टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू मिल गया है, अगर मुझे उसमें से टू लेन फाइंड आउट करनी है, सी फ्रेंड आपको प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करने बोला है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस, फाइंड इट्स फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड ट्रू लेंथ एंड ऑल इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशंस तो हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड ट्रू लेंथ मिल जाएगी, बन जाएगी तो मिल जाएंगे, राइट। तो ट्रू लेंथ अभी कैसे मिलेगी, जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम हमने किया था उसके अंदर क्या था कि फ्रंट व्यू अगर आपको मिले तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आर्क बनाना है, राइट। फ्रंट व्यू का जितना भी है वो सेट करके आर्क बनाना है। एंड अगर आपको ट्रू लेंथ मिलती है तो आपको सबसे पहले आर्क सबसे पहले आपको लाइन खींचनी है एंड फिर आपको आर्क बनाना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर्क बनाएंगे। ओके तो ये मैंने ए डैश बी डैश मतलब कि आपका फ्रंट व्यू जितना भी है मैंने सेट कर लिया। ए को ए डैश को सेंटर रखा, बी डैश पे आपका पेंसिल रखा एंड आर्क। सिमिलरली नीचे टॉप व्यू भी जितना है आपका उतना आपको कंपास सेट कर लेना है। ओके कंपास सेट कर लिया टॉप व्यू जितना, ए को सेंटर रखो, बी पे आपका पेंसिल रखो एंड आर्क। ओके मतलब याद रखना फ्रेंड्स कि जब भी आपको फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मिल गए हैं तो आपको सबसे पहले आर्क बनाना है। और आर्क आप कहां पे कहां तक बनाओगे, जो पॉइंट से आप आर्क बना रहे हो वहां से सबसे पहली लाइन जो आ रही है वहां तक। यहां से हम जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन कौन सी आई, ए वाले पॉइंट के प्रोजेक्शन की, और यहां से पहली लाइन ए डैश वाली। ओके जो पहली लाइन है, ओके एंड फिर क्या करना है, ये प्रोजेक्शन वाली लाइन है उससे पैरेलल एक लाइन नीचे तक ले आएंगे। ओके एंड ये जो ए बी वाला जो आर्क है उसमें से लाइन ऊपर तक ले जाएंगे। ओके और ये आपका पॉइंट बन जाएगा बी वन डैश, ये आपका पॉइंट बनेगा बी वन। और अगर मैं ए डैश एंड बी वन डैश को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, मेरा ट्रू लेंथ, राइट। फ्रेंड्स अगर प्रॉब्लम मैंने ड्रॉ जो किया है वो सही है या गलत है वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो उसका भी नुस्खा मैंने कल आपको बताया था, ठीक है। क्या है, ये आपका ट्रू लेंथ मिला है, ये भी आपका ट्रू लेंथ है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम में ट्रू लेंथ एक ही रहने वाला है, एक ही लाइन के प्रोजेक्शन आप ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के पास जो भी ट्रू लेंथ मिले हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। तो मेजर कर लेते हैं, यहां पे आपका ट्रू लेंथ कुछ है 75 एंड यहां पे आपका ट्रू लेंथ है, देखिए फ्रेंड्स 75, राइट। तो दोनों ट्रू लेंथ हमारी एक जैसी सेम आ गई, राइट। तो हमारा ये प्रॉब्लम सही है। ओके उसके बाद क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड ऑल इंक्लिनेशन मतलब ट्रू लेंथ के साथ एंगल थीटा, फ्रंट व्यू के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे अल्फा, नीचे जो एक्स वाई लाइन के नीचे जो ट्रू लेंथ के साथ एंगल बना है दैट इज योर थीटा, एंड टॉप व्यू के साथ जो एंगल बना है उसको हम बोलेंगे बीटा। ओके तो आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ट्रू लेंथ, थीटा, फाइ, अल्फा एंड बीटा, ट्रू लेंथ तो हमने मेजर आउट की है 75 mm आई है, थीटा, फाइ, अल्फा एंड बीटा, ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। कितना है एंगल, आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से मिल जाएंगे, इस तरह से आपको प्रोटेक्टर रखना है एंड एंगल मेजर कर लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स ट्रू लेंथ के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज 23 मतलब कि जो थीटा है वो 23 डिग्री है। ओके मैंने एक एंगल एंड ट्रू लेंथ फाइंड करके दिया है, बाकी का आप खुद से ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने की और मेरे जो प्रॉब्लम है उसके वीडियो में कमेंट करना। ओके
आई होप कि आपको अच्छे से ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा. प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो रहा है. ओके, थैंक यू.